पूछते हैं कि आदमी की रूह कांप जाए। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से करिए। आ रहे टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशंस की वैल्यू प्रॉफिट की वैल्यू से अरविंदर क्या होने वाली है ज्यादा। करिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, तभी तो सिखाऊंगी। लिखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इसके आगे क्या लिखते हैं दीक्षा? ड्यूरिंग द ईयर, वेरी गुड। बनाइए, करिए क्वेश्चन शुरू करिए। बताइए अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो, पहले करो तब पता चलेगा गड़बड़ है कि नहीं। करंट अकाउंट का बैलेंस जाता है क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? तो ये बन गई है तो बट ठीक है, आंसर निकल। करिए करिए गाइस, कॉपी पे जल्दी करिए, एक ही लाइन है इसमें, क्या सोचिए कि करंट अकाउंट का वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं जा सकता ना? अभी तो मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही बना रहे थे, सिर्फ उसके बारे में ही सोच। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो भाई। अरे क्वेश्चन
नेट प्रॉफिट से ज्यादा है रेंट रिस्टोर कैपिटल करो तो क्या करेंगे इसका करेंगे कैसे कैसे करते हैं जैसे आपका दिमाग कहता है वैसे करो फिर नेट प्रॉफिट साइड लिखेंगे सारा करो सी बीडी के नाम से लॉस प्रॉफिट लॉस होता है इसमें हाँ भैया अरे तुम्हारी गाड़ी बड़ी स्लो चल रही है आजकल क्या होगा करो ऐसे करेंगे तो बस हो गया फिर तो सीढ़ी पकड़ के रह जाएंगे फिर अपना दो मिनट का क्वेश्चन है अभी तक आंसर नहीं निकल रहा उसने भी तो निकाल ही लिया 3900 सही है आपने क्या कर टोटल वही तो आ रहा है क्या आंसर निकालो बाबू ये सही है आंसर निकालो हाँ जी कितना है 1700 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ना आंसर कितना आ रहा है लॉस आ रहा है 3900 आंसर निकालो जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर टू अभी पीसी बनाया इसका नहीं चल आपको मैं समझ गई प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है लॉस कितने का 3900 3900 लिखो दी वो बोलने वाले लॉस का वो आप कमेंट कितने का लॉस आ रहा है ये जस्ट लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है कितने का मतलब क्वेश्चन में तो प्रॉफिट नहीं था लॉस क्वेश्चन पे तो अलग ही बात लिखी है लेकिन आपके क्वेश्चन पे जितना आपने अब तक किया क्या निकल गया है का लॉस या प्रॉफिट लॉस तुम्हारा चलो अब एक चीज सुनो बहुत ध्यान से फिर हम बात को समझते हैं चलिए बात नंबर वन भाई साहब ये गलत है सुन लो इधर इधर गलत है चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एक खास बात मैं आपको और बताती हूँ आज इसमें कभी लॉस नहीं आता ठीक है जी आ ही सकता क्योंकि आपके पास जितने रुपए हैं आप उतने ही तो बांटोगे ना जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फर्म है ठीक है और आप चारों मेरे पार्टनर्स हो इनको मैंने 2000 रुपए दे रहे हैं लेकिन हर फर्म के पास फिलहाल सिर्फ 4000 है और इनको मैंने कितने कितने देने हैं 2000 तो 2, 4, 6, 8 तो राज कायदे से मेरे पास कितने होने चाहिए थे 8000 पर फर्म के पास अभी सिर्फ तेजस कितने हैं 4000 तो ऐसा मतलब ये थोड़ी है कि मैं 1000 रुपए इन्हीं से लेके इन्हीं को दे दूंगी ऐसा थोड़ी होगा मैं क्या करूंगी कि भाई मेरे पास 4000 है तो भाई मैं 1000 दे देती हूँ और क्या करूँ भाई 1000, 2000, 3000, 4000 छुट्टी क्योंकि मेरे पास 8000 रुपए नहीं है ऐसे थोड़ी करूंगी कि पहले 1000 रुपए इन्हीं से ले लूंगी फिर इन्हीं को 2000 रुपए दे दूंगी तो उससे इन्हें क्या फायदा होगा कुछ भी नहीं याद रखो कि जो जो फर्म है वो किससे मिलके बनी है पार्टनर से तो फर्म अल्टीमेटली अगर ये लॉस भी होगा तो ये मिलेगा किसको पार्टनर को तो पार्टनर ही फर्म को पैसा देंगे फिर फर्म पार्टनर को पैसा देगी तो ऐसे पैसे से क्या फायदा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस नहीं आता अब दीदी लॉस नहीं आता तो फिर क्या करें ये करें कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है हाँ जी आर्य चलिए शुरू क्वेश्चन अरे आप अच्छे से नहीं बढ़ रहे आजकल हाँ जी कितना है नेट प्रॉफिट और मिलता है 7800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एस को देना है एक आर को देना है जे और बी अच्छा इसमें चेंज हो गया हाँ जे और विजय चलो जय का कितना बेटर है 7400 ठीक है दोनों का मिला के कितना बेटर है 11000 ठीक है बट अब देने देखो मैंने क्या लिखा appropriations are more than the value of profit जो देना है वो हर्ष क्या है ज्यादा और जो फर्म के पास है वो हरमिंदर क्या है कम तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फर्म पार्टनर से ही लेके पार्टनर को ही दे देगी लॉस दिखाने का मतलब क्या है कि फर्म ने लॉस कर दिया लॉस करने से वो लॉस भी तो पार्टनर ही भुगतेगा ना तो ऐसे पैसे का क्या फायदा तो इसलिए अगर आपके पास कम है
तो हम पार्टनर को भी कम दे देंगे। यही तो तरीका है, क्योंकि पीरियड एंड एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं होता है। क्या मैंने क्या समझ में आया? लॉस दिखाने का ये मतलब है कि आपने पार्टनर को पैसे देके उसी से लॉस कह के ले लिए, तो दे के लेने से अच्छा है कि उसे उतने ही दो ना जितने आपके पास है। गलत तो नहीं कह रहे हर्ष? तो अब इसे कैसे ट्रीट करेंगे? अब हमारे पास 7800 है, तो फर्म सिर्फ कितने दे सकती है हर्ष? 7800। उससे ज्यादा मान्य ना तो फर्म के पास है और ना फर्म दे सकती है। क्लियर? तो ये 7800 फर्म कैसे देगी इन दोनों को? आता था? बोलो, अब आपने दिमाग से बोलो। अब आपने गलती करी तो आपको समझ में आया ना? कुछ गलती करके ही इंसान सीखता है। बताइए हर्ष, ये 7800 मैं इन दोनों को कैसे दूं? के हिसाब से दे दो। चलो और कोई जवाब बोलो। या आता दे दो। अगर ना की बात होती तो आता दे देते। अच्छा एक बात बताओ, आधे आधे से ये राजी हो जाएंगे? जैसे आपको क्या लगता है, इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठता है? 7200। इसका इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल कितना बैठता है? 4500। अगर मैं आधा आधा दे देती हूँ तो 7200 बनता है, इसे 3900 मिला, इसका 4500 बनता है, इसे 3900 मिला, तो ये तो फायदे मेरा, ये तो नुकसान मेरा, तो ये क्यों एग्री करेगा? सोचने की बात है। 3:2 में दे देंगे तब भी नहीं मानेंगे, उससे भी उसको फायदा है, उसको नुकसान है। नुकसान तो सिर्फ तो चाहे कम है पर नुकसान तो है। नुकसान तो है लेकिन वो ज्यादा, देखो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई क्यों होती है कि भाई नुकसान है तो बराबर का होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि मेरा नुकसान ज्यादा हो आपका नुकसान कम हो, क्या बात है? नुकसान तो है ही, वो तो दिख ही रहा है कि जो इंटरेस्ट और कैपिटल है वो क्या बैठ रहा है? ज्यादा बैठ रहा है। लेकिन जो हमारे हाथ में प्रॉफिट है मान्य, वो क्या बैठ रहा है? कम बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का नुकसान ज्यादा हो किसी का कम हो, एक इक्वल रेशियो में नुकसान होना चाहिए ना दोनों का। तो उसका तरीका ये होता है बेटा जी कि जो चीज आप बांट रहे हो, जो चीज आप क्या कर रहे हो, उसी का रेशियो निकालो। आप क्या बांट रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बताया 7200 और इसका कितना बताया? 4500। चल तो 7200 और 4500, तो रेशियो बन गया 72:45। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? तो ये किसने बोला कि रेशियो प्लस करके 100 आनी चाहिए? ये परसेंटेज थोड़ी है। इसका हिस्सा कितना बन रहा है? 7200। और इसका हिस्सा कितना बन रहा है? 4500। क्यों ना हम इन्हीं का ही रेशियो कर लें? 7200 और 4500 का रेशियो निकल के आता है 72:45। क्या निकल के आता है बताओ? 72:45। ये कट रहे हैं किसी से? थ्री से कट रहे हैं। तो थ्री से ही हो गया 3 1 3, 5 3 15, ये हो गया 3 2 6, 24। अब तो नहीं कट रहे? बताओ भैया क्या रेशियो बना? 3 से कटेंगे 5 और 8। अभी फिर हो जाएंगे, ठीक है? 5 3 15, 8 3 24, क्या रेशियो आया आ रहा है? ठीक है, आगे 8:5। तो क्यों ना प्रॉफिट को 8:5 में ही बांटते हैं? हाँ वर्किंग नोट बनेगा। मैं अभी तो मैं सिर्फ एक रैंडम बात कर रही हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने दिमाग में चार बातें सोचो। बात पहली बात कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस मानने क्या है? ज्यादा है, तो हम लॉस दिखा के क्या फायदा? क्योंकि ये पार्टनर को ही मिल रहा है, लॉस भी किसको मिलेगा? पार्टनर को ही मिलेगा। अगर मैं आपसे ही पैसे लेके आपको दे दूं तो उससे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, उससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जब फर्म के पास ऐसे नहीं है तो देगी फर्म कहाँ से? देगी ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगी। फर्म पार्टनर से ही तो मिलके बनी हुई है, तो फर्म अगर पार्टनर से ही लेके पार्टनर को दे दे तो इसमें क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी आरएल लॉस नहीं आता। पहले तो ये अपने दिमाग में सेट करो। दूसरी बात ये सेट करो कि अगर आपके पास प्रॉफिट राज क्या है? कम है। तीन बातें, अगर हम इसे इक्वली बांट देंगे तो जिसका ज्यादा नुकसान हो रहा है वो क्यों मानेगा? एक ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लो मुझे, ध्यान से सुनना, मुझे आर्यन के देने थे 4000 रुपए,
दीक्षा के देने थे 2000 रुपए, अब मेरी जेब में सिर्फ 1000 है, तो आप मेरा दोनों में आते आते कर दो, तो 500 दोनों को मिल गए। लेकिन आर्यन का तो नुकसान है ना, इसको तो ज्यादा लेने थे, उसे कम लेने थे, उसे 1000 की जगह 500 मिले, इसे 4000 की जगह 500 मिले, तो उसका तो ज्यादा नुकसान है, तो वो क्यों मानेगा इक्वली में। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे तब भी एक पार्टनर को नुकसान ज्यादा होगा और आज दूसरे पार्टनर को नुकसान कम, नुकसान तो होगा ही, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर फर्म को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो नुकसान तो मानना होना ही होना है, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए ना, दोनों को नुकसान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर नुकसान का ये तरीका है कि जो चीज आप बांट रहे हो उसी का ही रेशियो निकाल लो। आपको इसको कितने देने थे 7200, इसे कितने देने थे 4500, इसका रेशियो कितना निकल के आया 8/5, तो 8:5 में प्रॉफिट बांट दो तो इसको मिल जाएगा 7800 का 8/13 और इसको मिल जाएगा 7800 का 5/13, तो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। क्लियर है आर्यन? और प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जितना था बांट दिया ऑलरेडी कम ही था, तो 7800 × 8/13 इसका जाएगा, 7800 × 5/13 इसका आ जाएगा। अब दीदी कुछ आंसर भी आएगा? नहीं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट था वो सारा हरमिंदर हमने क्या कर दिया, बांट दिया। चलो मुझे निकाल के बताओ कितना आ रहा है 8/13 और कितना आ रहा है 5/13, करो कैलकुलेट। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 बटेगा, तो 8/13 5/13 के हिसाब से 7800 × 8/13 बताओ भाई कितना आ रहा है। नहीं, तेरा तो पार्ट टाइम किसी को, तेरा तो करंट नंबर है। कोई बात नहीं, तो इनटू कर दो ऊपर वाले को, डेसिमल में आएगा आंसर। कोई बात नहीं, कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं आ सकता 808 78 नहीं है, 72 है ना, 70 नेट प्रॉफिट 7800, हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। 88 = 64, 87 = 66 कितने का दीदी, 7 से कट गए, हां ये 78 आ जाता है, 600 × 8 = 3000 समझ आया आर्यन? अब बताओ चलो आर्यन, जे को कितने मिले 4800 और पी को कितने मिले 3000, कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए टोटल 7800, और थे कितने 7800 बट गए सारे। अब एक बात तो, इसे कितने मिलने थे, इधर देखेंगे सब, अभी सीखते हैं, इसे कितने मिलने थे 7200, 7200 की जगह मानने इसको कितने मिले 4800, लॉस हुआ 2400, इसे मिलने थे 4500 और इसे कितने मिले 3000, इसे भी लॉस हुआ, तो दोनों को बराबर ही लॉस हुआ है, क्योंकि हमने इन द रेशियो ऑफ कैपिटल से प्रॉफिट को बांट दिया, तो लड़ाई झगड़े वाली कोई आपस में बात ही नहीं है। ना तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, माने सुनने पर ध्यान दो, ना तो हम इक्वली बांटेंगे, हम उसी चीज का रेशियो निकाल लेंगे जो हम बांट रहे हैं। क्या समझ आया हर्ष? हम जो हम बांट रहे हैं, अगर हम इन्हें सैलरी और इसे कमीशन दे रहे होते तो हम सैलरी और कमीशन का रेशियो कर लेते, अभी हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो हमने उसका रेशियो कर लिया। जो आप बांट रहे हो उसी का ही रेशियो निकाल के प्रॉफिट को उसी में ही बांट दो, जिससे कि कोई भी पार्टनर नाराज होकर घर ना जाए। ये वर्किंग नोट है बेटा जी, ये जितनी भी ये सारा का सारा मान के चलो ये वर्किंग नोट है, और ये क्वेश्चन हाँ जी, हम ये वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन दिखाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 7200 है, इसका 4500 है, फिर हमने रेशियो निकाली है 8:5 और फिर हमने प्रॉफिट 7800 को 8:5 में बांटा, ये सारी चीजें हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे और ये हम करेंगे क्वेश्चन। आया थोड़े में, या हम ये दिखाएंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना था बट गया, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी मान्य लॉस निकल के नहीं आता है। ये आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अरविंदर की एप्रोप्रिएशन की वैल्यू प्रॉफिट की वैल्यू से ज्यादा है कम है, सोच के बोलो एप्रोप्रिएशन की वैल्यू मोर देन किससे, एप्रोप्रिएशन की वैल्यू किससे ज्यादा है, प्रॉफिट से। फर्म के पास उतना प्रॉफिट नहीं है मान्या जितना फर्म को बांटना है, उस केस में ऐसा किया जाता है। करिए क्वेश्चन नंबर, अगला
मैं ट्राई करेगा 52 ये हम पीछे आए थे, ये छोटा क्वेश्चन था ना, पढ़ाने का वो बड़ा क्वेश्चन है, करें 52 हाँ जी, दिमाग लगा के करना, जल्दबाजी नहीं करनी। बाद में वो तो बाद में पता चलता है ना, अभी सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। और क्वेश्चन नंबर दीक्षा कौन सा करना है 52 शुरू कर दिया होगा हर्ष ने तो मुझे लग रहा है। अगर आपसे लास्ट में नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, शुरू तो करो ही। पानी का तो डालो ब्रेक पे बोलना था ना, ये तो अभी तुम्हें लगता है कि हम क्लास छोड़ के जाएंगे? अच्छा बात है, आराम से करो, अभी देखो आज क्या करोगे। ज्यादा ज्यादा की फोर ही तो निकालेंगे, 5+4 कर लेंगे, पर छोटे बच्चे तो नहीं है। एक लाख का भी 10% ही लगेगा कैलकुलेटर में। नहीं नहीं खुद करता हूँ। ठीक है पहले खुद कर कुछ से। अगर एक लाख का 10% तो ज्यादा 5% हुआ 5000, 1/80 का 10% कितना? और 12% 12000 Thank you.
वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने जा रहा है? 6 महीने के लिए 1,55,500 मुझे मसेगा सब कुछ अलग अलग शो करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर अपनी बुक में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन जो हम आपको मार्क कराएंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर से पहले हमेशा वो क्वेश्चन करके जाएंगे। यही तो टॉपिक है आज का।
ड्रॉइंग्स के मंथ कभी भी नहीं दे रखे होते, उसमें बाय डिफॉल्ट 6 ही आते हैं। फिर भूल गए तेजस, आंसर निकाला। लॉस आ रहा है, निकाला नहीं अभी। लॉस आ रहा है मतलब लॉजिक क्या, लॉस आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा। करो करो करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंसर में क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, डीड में जरूरी थोड़ी है, फिर डीडी खाएगी। 40,000 आ रहा है, 40,000 का लॉस, 40,000 का लॉस आ रहा है। हां मेरे की दीदी ये तो कहता हूं, अरे मेरे ड्राइंग से छीन आप ये कह रहे हो, लेकिन लॉस तो आ नहीं सकता ना एप्रोप्रिएशन में, तो अब ये कैसे बटेगा वो बताओ। पहले ये उसका वो निकाल लेंगे, वो करो जो कर सकते हो, उसमें दिमाग लगाओ। ये तो आज की क्लास है, तो मैं खाते ही करते दिन से कर रही हूं। 1,60,000 2 लाख आ रहा है। अब आपका जो लॉस आ रहा है, लॉस तो अलाउड ही नहीं है, तो अब क्या हुआ? हाँ वो बताओ, वो करके दिखाओ। टीम का रेशियो दस निकलेगा, सबका निकालो, सबको इतना कटे के नंबर लगाओ, दिमाग लगाओ। 40,000 फाइव, यही तो क्लास है आज की दीदी। अगर 40,000 फाइव कौन टेन करो, कौन सा रेशियो है? 5:3:2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं बता तो फिर हम पढ़ी क्यों रहे होते हैं? उस रेशो में बटता है जो पार्टनर को देना था, उसका रेशो निकाल। हां तो वही तो रेशो दे रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। वो तो पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था 3:2, तो हमने उसमें थोड़ी बांट दिया था। अच्छा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो निकाल, वो तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो हमने उसकी निकाली। अब इससे तो बहुत कुछ है दीदी, ऐसे तो आएगा रेशियो 13:8 रेशियो और 8:5 कैसे आएगा वो वर्किंग नोट में दिखाओ। दिखा दिए कार्ड बुक के, हाँ पूरा वर्किंग नोट बनाओ। इसके इतने पैसे बनते हैं, इसके के वाले के एक तरफ प्लस करके, हाँ के सारे एक तरफ, दूसरे वाले के एक तरफ, तीसरे वाले के एक तरफ, फिर देखो किसके कितने कितने बनते हैं, फिर उसका रेशियो निकाल के प्रॉफिट को उसमें बांट दो। अच्छा, जिससे कि कोई भी नाराज होके ना जाए, सब के जितने जितने प्लस करेंगे उसी का तो रेशियो निकलेगा। जिसको जितने जितने देने हैं उसका चार्ट तैयार करो वर्किंग नोट, उसके रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा। फिलहाल आज इस क्वेश्चन में पार्टनर को सिर्फ क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने उसका निकाल लिया। अब तो बहुत कुछ देना है ना, क्या क्या देना है, कितने बैठ रहे हैं टोटल पैसे, किस पार्टनर के कितने पैसे बैठ रहे हैं टोटल, पी के बैठ रहे हैं 1,10,000। शाबाश, देखो आपके दिमाग पे वो सही कर रहा है, आप लोग भी करोगे तो होगा। नहीं ड्रॉइंग्स कुछ नहीं, जो देने हैं बस उसकी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो तेजस लेना होता है, लेने की बात नहीं कर रहा, सब देने और इसके भी 40,000, इसका 10,000 नहीं, इसके बैठ में 50,000। बिल्कुल सही करो, हर जाके करो जल्दी, अभी आपकी बात एकदम नहीं समझ सकते। अब हम कर सकते हैं 50,000 और z का 40,000 और b का 1,10,000, इसका रेशियो 5:4 उसमें बटेंगे वो पैसे जो फर्म के पास है, 5:4:11 इसमें वो पैसे बटेंगे जो फर्म के पास है। कितने हैं फर्म के पास? 1,55,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो लिया है 4,500, 1,60,000। फर्म के पास टोटल कितने आ गए? 1,60,000, वो इस रेशियो में बटेंगे। एक नया P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पुराने वाला तो गलत हो गया। कितना है 1,55,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीन लोग है, क्या क्या नाम? कबीर जोरावर, कबीर जोरावर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, पर इतने डेडिकेशन से पढ़ना है कि मतलब दिमाग में बात जानी चाहिए कि क्या पढ़ो। कल आते ही पहले इसी का ही क्वेश्चन करेंगे और फिर पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग पीसीए, वो भी हमारा रहता है, ठीक है। फिक्स वाला तो हमने पढ़ लिया, तो जो जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको घर पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बाबू, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन अब मेहनत क्या है वो मैं आपको बताऊँ। हरमिंदर इस बुक में, हर्ष आप भी सुन लेना, इस बुक में इस टॉपिक का यही एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही नहीं है।
तो आज हम आपको होमवर्क तो दे नहीं सकते क्योंकि और कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। आपका काम यही होता है कि यही एक क्वेश्चन है बुक में, तो आप घर जाके आ रहे एक बार इसी को बिना देखे ट्राई करना कि क्या आपसे ये हो पा रहा है। ये आपकी मेहनत है, ये मैं सोचा कि दीदी होमवर्क देगी तो करेंगे, जब बुक में है ही नहीं बाबू तो कहाँ से देंगे। इसी को करना, इसे अच्छे से सीखो। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। आपने कैसे कितनी चार्ज करी, 1500। आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, ये याद रखिएगा। आप बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे ही रह जाओगे। 1500, 3000 और 1500 कितने हो गए, 45। थोड़ा अपने अंदर से लाओ कि मुझे पढ़ना है, तब होगी पढ़ाई। सिर्फ डंडे मार के नहीं होती है पढ़ाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीक्षा तीनों का है, 26, 16 और 10। ठीक है, 6 कितना, 52,000। ठीक है बेटा जी, सैलरी है सिर्फ पारुल की है 1,00,000। ठीक है, इधर देखो जरा बोर्ड पे, मैं आपको क्या पढ़ा, और तो कुछ नहीं हो गया। अच्छा, एक और चीज दे रखी थी, वो थी राज जनरल रिजर्व। अब दिमाग ये कहता है मेरा, जब फर्म लॉस में जा रही तो जनरल रिजर्व क्या बनाएगी। What is general reserve? The amount which is kept aside for future use. The amount which is kept aside for future use. Future के लिए आदमी तब पैसा रखेगा ना जब उसके पास present में होगा। जब उनके पास present में ही नहीं है, तो general reserve का तो बात ही खत्म हो गई। General reserve की तो बात ही खत्म हो गई। वो तो ना लिखने की भी जरूरत नहीं है। General reserve तो exist ही नहीं करता। अगर मैं उसको डाल भी देती हूँ, कितना बोल रखा है दीक्षा general reserve? 1,10% होना चाहिए। 52 और 48, जनरल रिजर्व तो मैं यही काट दूंगी क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, डिविजिबल लॉस आ रहा है। और उसने मुझे रिजर्व किसका बनाने का कहा था, डिविजिबल प्रॉफिट का कहा था। मुझे प्रॉफिट हुआ तो जनरल रिजर्व बनेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद आया जो कभी ट्यूशन में पढ़ा था कि जनरल रिजर्व नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन अब क्या मैं इन्हें इतने इतने पैसे दे सकती हूँ। द आंसर इज नो, क्योंकि इतने तो मेरे पास है ही, तो दूंगी कहाँ से। और लॉस जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन में मान्य नहीं आता है, तो ये वाला P&L अप्रोप्रिएशन तो मेरे लिए किसी काम का है ही। अब दीदी हमने ये बना दिया तो क्या हुआ बाबू, ये बना दिया तो अच्छी बात है, ये तो आपका सबसे बड़ा वर्किंग नोट है कि आपने ये बनाया। हाँ, ये बनाया, ये आपने टीचर को वर्किंग नोट में हर्ष ये दिखाया है कि फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मान्या फर्म को क्या हो रहा है लॉस। तो ये नहीं कि मुझे काट के मैं जाना लगे लॉस हो रहा है काट दो, आपकी सबसे बड़ी आदत है वो कि अच्छा तो गलत बन गया काट दो। ये गलत नहीं बना है, ये आपका हरविंदर क्या है, वर्किंग नोट है। आप इसमें शो कर रहे हो कि फर्म को लॉस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का हिसाब कर लेते हैं जरा। ये तीन लोग हैं, राज एक का नाम है के, एक का नाम है जेड, एक का नाम है पी। अब इनके देखो कितने कितने देने हैं, किसको देने हैं, 26, 16 और 10। ठीक है, फिर इसको देने हैं 24 और 0 है, और उसकी कमीशन कितनी है, 1,00,000। इधर देखो सब लोग, अगर मैं इसे जोड़ दूं मान्या तो ये बैठता है 50,000, 40,000, इतने इतने इनको मिलने हैं। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लो, 5:4:11। अब अपना सही वाला P&L appropriation बनाओ, वो आपका छोटा सा ही बनेगा क्योंकि उसमें आपको अलग अलग तो शो करना ही नहीं, क्योंकि अलग अलग की तो हरमिंदर बात ही खत्म हो गई जब फर्म के पास पैसे ही नहीं है। अब तो मोटा मोटा लो और अपने घर को निकलो, क्योंकि फर्म किसमें चल रही है, लॉस में। तो मान्या मैं इसमें क्या शो करूंगी, अभी लिखने पर हरमिंदर मान्या ध्यान रख दो, सुनने पर दो, उसके बाद बात करेंगे। ये एप्रोप्रिएशन मेरा मार्क्स है, ये इसके मुझे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आगे मैं क्या शो करूंगी कि फर्म को नेट प्रॉफिट कितना है, 1,55,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शो करूंगी, आंसर इज यस, क्योंकि वो तो दीक्षा मुझे मिल रहे हैं ना,
अगर आप नुकसान में चल रहे हैं तो जहाँ से पैसा आ रहा है वहां से तो लोगे ही, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेंगे राज, के से भी, जेड से भी, पी से भी, कितना कितना, 1500-1500, तो फर्म के पास 4500 है। अब फर्म के पास टोटल कितना पैसा आ गया, 1,00,000 का। अकाउंट्स कभी भी रट के नहीं हो सकते, रटोगे आप 5 नहीं हो सकते, रट लो, लॉजिक से चलना पड़ता है। अब एक बात, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, बहुत सारे टीचर्स पॉइंट बनाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, इसमें पढ़ाने की क्या बात है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर राज आप नुकसान में चल रहे हो तो जहाँ से पैसे आने हैं वो भी नहीं लोगे, आने हैं तो वो तो लोगे ही क्योंकि आप नुकसान में चल रहे हो, तो इसमें पढ़ाने की बात क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लेंगे ही लेंगे। अब फर्म के पास टोटल मानने कितने पैसे हो गए, 1,60,000, इसको फर्म टू ट्रांसफर टू पीसीए करके दे देगी के को, जेड को, पी को, 5:4:11 में 1,60,000 को हम 5:4:11 में बांटते हैं, 40,000, 40,000, 50,000, 32,000, 32,000, 32,000 और 88,000, और इनका टोटल देखो आराम कितना हो गया, 1,60,000, सारा पैसा बैठ गया यहाँ, बहुत सारे टोटल लिख दो, 1,60,000, 1,60,000 जो हमने नया वाला पीसीए बनाया राज उसमें हमने ना तो सैलरी, ये है ना असली पीसीए, इसमें ना तो सैलरी दिखाई है ना कमीशन ना कुछ भी नहीं। क्यों नहीं दिखाई आ रहा, क्योंकि जब फॉर्म लॉस्ट होती है तो सबको मोटा मोटा दे देती है, उसमें कुछ सैलरी नहीं, कुछ कमीशन नहीं, कुछ को नहीं, आपका हिसाब लगा लिया, इतना इतना बचता था, इतना दिया, छुट्टी, जय माता दी। अब इसमें हम अलग अलग नहीं शो कर सकते कि इसमें इतनी सैलरी है, इतनी कमीशन है, वो हमारे क्लियर है तेजस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। अगर फर्म लॉस में चल रही है तो पार्टनर्स को ऐसे पैसा बांटेंगे, क्लियर है मान्या हर्ष, बिल्कुल अच्छे से नोट करिएगा।